टीजर ट्रेलर बहुत ही धड़ाधड़ निकल रहे हैं आजकल, तो उनमें से तीन की बात करेंगे जिनमें सबसे पहले विकी कौशल की नेक्स्ट मूवी आने वाली है छावा नाम से, और इसी को लेके एक बहुत ही स्मार्ट इंटरेस्टिंग चीज हुई। पिक्चर को प्रोड्यूस कर रहे हैं मैडॉक फिल्म्स, जिन्होंने स्त्री 2 बनाई है और वो लेटेस्ट थिएटर में लगी है। उनको पता था कि इसी स्त्री पार्ट 2 को देखने के लिए काफी सारे लोग आएंगे, तो उन्होंने 14 अगस्त की रात से ही इस छावा का टीजर उस पिक्चर के पहले प्ले करना चालू कर दिया। मुझे सुनने में आया कि ये सारे थिएटर्स में नहीं प्ले हो रहा है, बट जहां मैं देखने गया था वहां मुझे दिखा, और 5 दिन पहले इसको सबसे पहली बार थिएटर में देखकर भाई जो साउंड एक्सपीरियंस गूज़बम्प्स और आंसू निकले हैं गजब। इस साल में बचे हुए जितने भी महीने हैं उनमें जितनी भी मूवीज आएंगी, ये छावा वन ऑफ दी मोस्ट एंटीसिपेटेड फॉर मी। जबकि इसको रिलीज होने में अभी काफी टाइम है और अपने को बहुत ज्यादा भी पिक्चर से दिखाया नहीं है। टीजर में जितने भी शॉट्स हैं उनको लोकेशन वाइज अगर तुम क्लासिफाई करने जाओगे तो 2-3 जिसमें से मेजॉरिटी एक बैटल सीक्वेंस दिखाते हैं, और उसका पहला ओपनिंग शॉट ही ले लो, बहुत ज्यादा आई कैचिंग है। और देखते ही रिएक्शन निकलता है कि इतने सारे लोग एक साथ लड़ाई कर रहे हैं और तुम उनको देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर सिनेमा का जादू या जो ट्रिक वो लोग यूज करते हैं वो तुमको बताकर, ये इल्यूजन तोड़ना हो तो स्पेसिफिक लोगों पे फोकस करो। पूरी भीड़ को एक साथ देखने के बदले अगर तुम रैंडमली किसी भी एक इंसान को पकड़ लो, ही इज नॉट एक्चुअली फाइटिंग, ज्यादातर केसेस में वो एक जगह पे खड़े होकर एक ही मोशन रिपीट किए जा रहे हैं, जैसे कि ये भाई साहब और इनको भी देख लो। पास से देखने के बाद ये सिली जरूर लग सकता है, लेकिन मूवीज यही तो करती है कि तुमको रियलिटी नहीं दिखाते हुए भी रियल चीजें फील करवाना, क्योंकि एक साथ इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इंसान तुम्हारे सामने हैं और सबके सब कोई ना कोई मूवमेंट कर रहे हैं, वो भी ऐसे शॉट में जो बेयरली 2 सेकंड का है, तो इसलिए कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स नोटिस नहीं करता, बल्कि सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने के कारण बहुत अच्छा लगता है, शॉट में मजा आ जाता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट लाइकली यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे भी नहीं, जो पीछे का क्राउड हम देख रहे हैं वो मोस्ट लाइकली VFX के थ्रू बढ़ाया गया है, काफी कॉमन ऐसा करना और बहुत सारी मूवीज करती है। लेकिन इससे तुमको एक अंदाजा मिल गया कि VFX को ही अगर अच्छे से यूज करो तो कितना अच्छा इम्पैक्ट दे सकती है। अभी तक हम लोग सिर्फ एक ही शॉट की बात कर रहे हैं, कि आगे बढ़ते हैं उसके पीछे जो म्यूजिक लगा हुआ है, ढोल और उसके अंदर कोरस गाना, साथ ही विकी कौशल के इंट्रोडक्शन में जो जोर से छावा चिल्लाया है। एंड ऑनेस्टली पिछले कुछ महीनों से अगर उनका कोई क्लिप सामने आ जाता था किसी पार्टी इवेंट या फिर इंटरव्यू का जिसमें वो दाढ़ी एकदम बड़ी हुई है, तो लगता था कि कौन से पिक्चर के लिए किया है। क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, और ये टीजर देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा जो डाउट करे कि उनका पिक्चर में काम अच्छा नहीं हो, ही इज गोइंग टू नेल इट। और याद दिलाने के लिए, ये वही इंसान है जिसके लिए पिछले महीने तुम तौबा तौबा पे डांस कर रहे थे। लेकिन सिर्फ लड़ाई में हाथ पांव चलाना या फिर जोर से चिल्लाना नहीं, बल्कि टीजर का जो आखिरी शॉट था उसमें बॉडी लैंग्वेज देखते ही सोल्ड, मैं बिक गया 2 समोसा ओनली। इनफैक्ट जो एक्शन की झलक वो लोग हम लोग दिखाते हैं, पहला तो वो कूद के ऊपर जाना, और उसमें भी इतना परफेक्ट कर्व दिया ना, वायर वर्क की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज तुमने भी एक्सपीरियंस करी है बहुत बार मूवीज के अंदर, जब हीरो लोग उड़ के कहीं जाते हैं कूदते हैं तो उतना रियल नहीं लगता। यहाँ पर जिस तरीके से हाथ घुमाते और पांव घुमाते हुए एकदम ऐसा छत के ऊपर लैंड किया, इम्प्रेसिव तो है ही, और ऊपर से ये जंप CGI यूज भी नहीं लग रहा कि मे बी वो पूरा कंप्यूटर जनरेटेड हो या फिर किसी स्टंट डबल से किया है फेस रिप्लेसमेंट करके। इन सब के बदले ऐसी पॉसिबिलिटी है कि विकी कौशल ने खुद किया। और सच बताऊं तो इसके टीजर को पहली बार थिएटर में देखने के बाद आज जब मैंने 2-3 बार फिर से देखा, मेरे को बिल्कुल भी एक चीज रियलाइज नहीं हुई। मूवी के बारे में जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करी मैंने, तब मेरा दिमाग ब्लो हो गया जब पता चलता है कि औरंगजेब वाला जो शॉट था पिक्चर के अंदर वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना प्ले करेंगे। तुमको भी अगर ये क्लिक नहीं हुआ तो जाके फिर से देखो, बोलने के बाद दिखाई देगा कि हाँ वही है। एक ही डायलॉग दिया गया कि सिवा गया लेकिन अपनी सोच छोड़ गया, आवाज में भी उतना नहीं पहचान आ रहा। और ये सब के बाद जो भीड़ के बीच में कूद के अकेला इतने लोगों को मारने वाले सीक्वेंसेस थे, लग रहा है कि मूवी बहुत ज्यादा एपिक होने वाली है, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। लेकिन जो रिलीज डेट इन्होंने अनाउंस करी है 6 दिसंबर, इसका मतलब आज के टाइम पे छावा मूवी का क्लैश होने वाला है पुष्पा के साथ। ये काफी टाइम से डिले होते होते अब इनका भी है कि 6 दिसंबर को आ रहा है, जल्दी आ जाओ छावा, आप चेंज कर लो, नो क्लैश प्लीज। ट्रेलर नंबर 2 की बात करें तो वो भी एक काफी बड़ी पिक्चर है, काफी बड़े सुपरस्टार की, गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जितना मुझे याद है थलापति विजय की लियो जो लास्ट ईयर आई थी उसके बाद से डायरेक्ट उनकी नेक्स्ट मूवी है, और ऑनेस्टली वो देखने के बाद मैं एक्साइटेड था कि आगे क्या वो करते हैं। फिर जाके मैंने जब इसका ट्रेलर प्ले किया, इतना ही कहूंगा कि पूरे ट्रेलर में से जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज मुझे लगी, पिक्चर का टाइटल कार्ड आने से पहले जो एक एनिमेटेड सीक्वेंस दिखाया है जिसमें उनके यंग ओल्ड और बाकी मूवी के कैरेक्टर के जो वर्जन्स हैं वो स्विच होते रहते हैं और हाथ में ऐसा एक गन घूमती है, पूरी ट्रेलर का हाईलाइट वही था। एक्चुअल मूवी वाले शॉट्स में से क्या इंप्रेसिव लगा,
आगे बताऊंगा। लेकिन सारे ट्रेलर्स के अंदर जो बीच बीच में टेक्स्ट वाले ऐसी चीजें आती रहती हैं, एनिमेशन या फिर पूरा का पूरा डिजाइन किसने किया है, बहुत ही ज्यादा बेसिक लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। इनफैक्ट थलापति विजय का जो एक यंग लुक दिखाया है वो भी मोटा मोटा बेयरली एक्सेप्टेबल लेवल पे है, और कुछ सीन्स में तो ऑनेस्टली थोड़ा वियर्ड जहाँ पे वो चिल्लाता है डू यू थिंक यू कैन स्टॉप मी, आंखें कॉन्स्टेंटली वैसी ही है। सबसे पहले मैंने इसके ट्रेलर को हिंदी में देखा एंड इट्स डब इज नॉट गुड। कहूंगा जितना खराब नहीं है बट इट्स नॉट गुड। डायलॉग या वॉइसेस की बात तो साइड में रखो, मुझे लगा कि शायद म्यूजिक में भी कुछ गड़बड़ हो गई है, उतना मजा नहीं दे रहा है जब वो लोग बोलते हैं कि GOAT गोट थलापति। तो इसीलिए ट्रेलर के बाकी वर्जन्स भी चेक किए मैंने, तमिल तेलुगु किसी में भी मजा नहीं आया। और स्टोरी के हिसाब से इट फील्स लाइक जस्ट अनदर स्पाई थ्रिलर जिसमें उसकी सिटी में एक बॉम्ब है जिसको मूवी के मेकर्स ने एक तरीके से एक्नॉलेज भी किया। एंड में वो मिशन इम्पॉसिबल का थीम गा रहा है, और हिंदी ट्रेलर से ये वो इम्प्रेसिव बात थी जो मैं बताने वाला था, उसका मिशन इम्पॉसिबल का थीम गाना जो कि उनके तमिल वर्जन में नहीं है, उसके बदले कोई ऐसा शॉट डाला है जो वहां की ऑडियंस के लिए ज्यादा रिलेटेबल हो, ज्यादा मजा दिलाए। होपफुली मूवी जब रिलीज होगी तो वो इसके ट्रेलर से बेटर हो 5 सितंबर यानी कि 17 दिनों में। मैच कितना होता है यार, एक ट्विस्ट वो लोग स्टोरी में थ्रो जरूर कर सकते हैं बाप बेटे को लेके। और बाप बेटे से ज्यादा है कि ट्रेलर नंबर 3 एकदम बात तो करनी पड़ेगी, क्रेवन द हंटर। और ऑनेस्टली एकदम दिल की बात सच्ची सच्ची बोलनी हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर्स फ्रॉम सोनी पिक्चर्स, नॉट गोना लाई। वो जो अपना सुपर हीरो यूनिवर्स बना रहे हैं उनमें से, लेकिन अगर तुमको उनका काला चिट्ठा और पास्ट पता है तो वी ऑल नो कि ये काफी हाई बार नहीं तो क्रॉस करना टू बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर्स, क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन में मैडम वेब और मोरबियस है। लेकिन देखकर बहुत अच्छा लगा कि अब तक जो हम लोग कंप्लेन करते आ रहे थे वो उन्होंने शायद सुना और इसको डिफरेंट बनाया, कैसे पिक्चर के ट्रेलर में इसकी स्टोरी नहीं बताकर। वरना यूजुअली वो अपने ट्रेलर्स को ऐसे डिजाइन करते हैं कि स्टार्टिंग में बता देंगे ये देखो हीरो ऐसा था, उसको ऐसे पावर्स मिली, फिर वो ऐसा बन गया, ये विलन होगा, दोनों एंड में लड़ेंगे और क्लाइमैक्स, सारी चीजें तुम्हारे सामने रखी है, पूरी पिक्चर देखनी है तो थिएटर में आ जाना। इसके बदले ट्रेलर ने मेजॉरिटी फोकस दिया बाप बेटे के रिलेशन पे, ओह माय गॉड। और इसको देखकर लग रहा है कि स्टूडियो ने फाइनली हिम्मत जुटाई और एक 18 प्लस मूवी बनाई है, फुल आर रेटेड, जितना खून खराबा और बॉडीज को मरते हुए दिखाया, वो भी ऐसे आगे खोलकर कि देख साले मोरबियस को बोला था ना 18 प्लस चाहिए ले। और अगर यही मूवी किसी और स्टूडियो ने बनाई होती तो क्रेविन द हंटर के लिए मैं डिसेंटली एक्साइटेड जरूर होता, बट इट्स मेड बाय सोनी पिक्चर्स। इवन आफ्टर अ गुड ट्रेलर पिछवाड़ा इस टाइट, क्योंकि पिक्चर में कोई ना कोई बकचोदी ये करेंगे जरूर, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, तुमको और हमको पता जरूर चलेगा। और ये चीज मुझे अकेले को फील नहीं हो रही बल्कि उसके ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में तुम जाके देख लो लोगों ने जो भर भर के मजे लिए हैं। एक बंदा कमेंट करता है विद ग्रेट हॉर्न्स कम्स ग्रेट हॉर्नीनेस, आई कांट वेट अंटिल आई हियर क्रेवन से आई एम क्रेविंग जस्टिस, कांट वेट फॉर पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पर वल्चर और मोरबियस क्रेवन को आके पूछते कि चल स्पाइडरमैन को हंट करते हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा हिलेरियस हो जाएगा सोनी का अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपने पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके, और इनके फ्यूचर को लेके जो पॉसिबिलिटीज लग रही है, ऐसा कर दो पिक्चर सुपर हिट, क्योंकि ट्रू फैंस और नॉलेज वाले लोगों को पता है कि जो दिखाएंगे वो होने वाला तो है नहीं कभी, क्योंकि आज की तारीख में जितना इन्फॉर्मेशन अपने सामने है SSU सोनी इज स्पाइडरमैन यूनिवर्स में ये आखिरी पिक्चर है क्रेवन द हंटर। इसके आगे क्या बना रहे हैं उसके प्लान अभी तक शेयर नहीं किए जितना मुझे पता है, किए हैं क्या, तो इसलिए थोड़ा सा सैड जरूर फील कर रहा हूं मैं कि भाई टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, DCU के बाद इनका नंबर लगेगा शायद, गुड बाय तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, जाने से पहले एक मोरबियस 2 भी नहीं डिजर्व करते क्या हम। ट्रेलर्स तुमको कैसे लगे कमेंट्स में बताना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब, बाय।